हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। जो बच्चे इंडिया से कनाडा जा रहे हैं, बेशक वो स्टडी बेस पे जा रहे हैं या फिर वर्क परमिट पे जा रहे हैं, तो उनको इंडिया से ही अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना चाहिए और उनको ड्राइविंग भी आनी चाहिए। इनके कनाडा में जाकर क्या क्या आपको लाभ होंगे, ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करने जा रहे हैं। सो वीडियो में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। जो भी बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, बेशक वो स्टडी बेस पे जा रहे हैं या वर्क परमिट पे जा रहे हैं, वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेकर जाए, क्योंकि कनाडा में जब आप पहुंचते हो तो वहां पर आपके लिए गाड़ी ज़रूरी है, कार खरीदना ज़रूरी है। कार खरीदना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे हमारे इंडिया में क्या है, हर घर में साइकिल, मोटरसाइकिल या स्कूटर वगैरह होना ज़रूरी है, हर किसी घर में होता है, तो वैसे ही कनाडा में हर किसी के पास कार होती है। क्योंकि कनाडा का जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठंड ज़्यादा पड़ती है और वहाँ पर थ्री व्हीलर नहीं चलते, और जो टैक्सी अगर आप हायर करते हो तो वो बहुत महंगी पड़ती है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत कम होता है। तो इसी वजह से मोस्टली जो लोग हैं वो अपने बजट के अकॉर्डिंगली नई या पुरानी गाड़ी ईजिली ले सकते हैं। अगर आप गाड़ी नई किस्तों पे लेना चाहते हैं तो आप किस्तों पे भी गाड़ी ले सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आपने गाड़ी चलानी है तो आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। तो बेटर यही है कि इंडिया से आपके ड्राइविंग सीख के जाएं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के लेके जाएं, क्योंकि वहाँ जाकर आप अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं, और अगर इंडिया में जैसे आप ड्राइविंग सीखते हो तो आपको तकरीबन 500 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से पे करना पड़ता है, और वहीं अगर आप कनाडा जाकर ड्राइविंग सीखते हो ना, तो वहाँ पर आपको इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंगली 2700 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से खर्च करना पड़ता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पर ड्राइविंग सीखनी काफ़ी महंगी है। तो बेटर आपके लिए यही रहेगा कि आप इंडिया से ही ड्राइविंग सीख के जाएं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में लेफ्ट साइड ड्राइविंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है, लेकिन कैनेडा में राइट साइड ड्राइविंग लाइसेंस को, ड्राइविंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो इनका, इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो इन बातों को आपको जरूरी है कि आप जब जब भी इंडिया से कनाडा जा रहे हैं तो आप ड्राइविंग सीख के जाएं और आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो कनाडा में जाकर आपको किसी तरह की कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम चाहते हैं कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कनाडा जाकर ना आए। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग या कनाडा के बारे में या किसी वीज़े के बारे में, तो आप हमारे कनाडा ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। कनाडा ऑफिस का नंबर नोट कर सकते हैं आप, +1604765508। इस नंबर के ऊपर आप संडे कनाडा के टाइम के अकॉर्डिंगली दिन के टाइम सुबह 9 बजे से 4 बजे तक बातचीत कर सकते हैं, और या फिर इंडिया टाइम के अकॉर्डिंगली आप शाम को 6:30 से लेकर 8 बजे तक बातचीत कर सकते हैं। आपको फ्री में सारी जानकारी दी जाएगी। और अगर आप हमारे पटियाला ऑफिस में बात करना चाहते हैं तो भी नंबर नोट कर लीजिए, 9882950। इस नंबर के ऊपर आप वर्किंग डेज में बात कर सकते हैं, क्योंकि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे कनाडा जाकर इजिली सेटल हो सकें और वहाँ जाकर उन्हें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि जो बच्चे अभी जा रहे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिले। सो और नई नई वीडियोज़ देखने के लिए, नई नई अपडेशन देखने के लिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।